शाम के समय व्यस्ततम सड़कों, बाजारों तथा अन्य स्थानों पर पुलिस की पैदल गश्त बेसिक पुलिसिंग का महत्वपूर्ण पहलू है। पिछले समय से यह अनुभव किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी हाल में ही 12 नवंबर मल्टीमेक कार्यक्रम के दौरान कहा गया था कि शाम के समय पुलिस दृश्यता अधिक होना चाहिए। इसी तारतम्य में शनिवार 30 जुलाई को डीजीपी श्री सक्सेना के निर्देश पर पूरे प्रदेश में पैदल भ्रमण अभियान चलाया गया। इस दौरान शनिवार शाम के 6 से 8 बजे तक प्रदेश के सभी जोन के आईजी, पुलिस कमिश्नर, डीआईजी, एडिशनल सीपी, एसपी, डीसीपी, एएसपी, एडिशनल डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसडीओपी तथा लगभग 1000 थानों के प्रभारी एवं 550 चौकियों के चौकी प्रभारी पैदल गश्त पर निकले। बेटमा में भी आगामी त्योहारों को लेकर रक्षाबंधन एवं मुस्लिम समाज के मुहर्रम पर्व को देखते हुए नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से थाना प्रभारी संजय शर्मा ने शनिवार को नगर में पुलिस का फ्लैग मार्च निकाला। थाना प्रभारी संजय शर्मा ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर नजर रखने के साथ ही नगर के शांतिपूर्ण एवं आपसी भाईचारे भरे सौहार्दपूर्ण व्यवस्था को बिगाड़ने वाले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे। बैठमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज हमारे प्रदेश के मुखिया डीजीपी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि शाम को 6 बजे से 8 बजे तक पूरे प्रदेश का बल, समस्त बल, टॉप बॉटम, बड़े से बड़ा अधिकारी इस मार्च में सम्मिलित होकर मार्च करेंगे। ये मार्च हम लोगों ने किया 6 से 8 बजे तक। इस दौरान हमने जन सामान्य से चर्चा भी की और जन सामान्य की सुरक्षा के लिए और विश्वास बनाए रखने के लिए कोई परेशानी हो इसके संबंध में चर्चा की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।